हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य और आप देख रहे हैं क्रिकेट इज़ माय लाइफ। गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से जो मैंने ऑर्डर किया था सिंथेटिक बॉल। मैंने 3-4 दिन पहले इसको ऑर्डर किया था, कल मेरे को इसकी डिलीवरी मिल गई। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसका वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँ। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले गाइस, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ये न्यू चैनल है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। देखिए गाइस, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है आदित्य कुमार, सिंडिकेट बैंक, रामापुर महेशपुर, और मेरा एड्रेस दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फ्लैश विंड बॉल क्रिकेट सिंथेटिक बॉल मल्टी कलर, और इसकी प्राइस 384 के आसपास थी। चलो मैं आगे इसको अनबॉक्स करता हूँ। देखो गाइस, इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप से है, फ्लैश विंड बॉल क्रिकेट गो प्ले। गाइस, मैंने तो सिंथेटिक बॉल ऑर्डर किया था, पता नहीं इसमें विंड बॉल लिखा हुआ है, इसमें तो कहीं भी सिंथेटिक बॉल नहीं लिखा हुआ है, जबकि फ्लिपकार्ट पे सिंथेटिक बॉल ही लिखा हुआ था। देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक दो तीन चार, ये गाइस मैंने जैसा कि देख सकते हो गाइस, ये जो बॉल है ये रबर टाइप बॉल है, सिंथेटिक बॉल नहीं है। ये बहुत ही, मेरे को लगा कि सिंथेटिक बॉल होगी, बट ये बहुत ही लूज बॉल है। देख सकते हैं आप, ये मैं दबा रहा हूँ तो ये दब जा रहा है। अब मैं इसको फिर से वापस रिफंड करवाऊँगा, क्योंकि मुझे सिंथेटिक बॉल चाहिए थी और इसमें तो शायद कंप्रेस्ड एयर भरा हुआ है अंदर, इसीलिए विंड बॉल लिखा हुआ है। इसके पैकेट पे विंड बॉल लिखा हुआ था, बट फ्लिपकार्ट पे सिंथेटिक बॉल लिखा हुआ था। तो यही है गाइस, अब मैं इसको वापस करवा दूंगा।